बाइक चोरी के वारदात को अंजाम देने वाले एक गिरोह का दुमका पुलिस ने सोमवार को पर्दाफाश कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने गिरोह के राजा यादव सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की गई 11 बाइक भी बरामद किया है। आरोपी राजा यादव ने हाल ही में शहर के एक पार्किंग स्थल से बाइक चोरी की थी और उसकी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई थी। नगर थाना परिसर के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अध्यक्ष अंबर लकड़ा ने कहा कि आरोपी राजा यादव को एक गुप्त सूचना के आधार पर बीते 11 जुलाई को चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया था। राजा ने यह मोटरसाइकिल शहर के एक पार्किंग स्थल से चुराई थी। पुलिस द्वारा राजा से कड़ी से पूछताछ के बाद पता चला कि वह अपने सहयोगी मैनेजर उर्फ बबलू मिश्रा के साथ दुमका शहर के विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिल की चोरी कर मनोज पाल एवं किशोर पाल को देता था। आरोपी मनोज और किशोर दोनों पाकुड़ जिले के महेशपुर के रहने वाले हैं। एसपी ने कहा कि मनोज और किशोर चोरी की गई मोटरसाइकिल को अपनी मोटरसाइकिल बताकर महेशपुर एवं आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों को बहला फुसलाकर बेच देता था, जिसके एवज में राजा और बबलू मिद्रा को प्रति बाइक 10 से 15 हजार रुपये मिलता था। कहा कि मनोज और किशोर को पुलिस ने जाल बिछाकर एक अपाची मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया और आरोपियों से पूछताछ करने के बाद महेशपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से चोरी की गई 11 मोटरसाइकिल एवं मोबाइल फोन बरामद किया गया। एसपी लकड़ा ने कहा कि पूरे गिरोह को खंगाला जा रहा है और जो भी मोटरसाइकिल चोर शामिल होगा उसे जेल भेजा जाएगा। आइए देखते हैं एसपी अंबर लकड़ा क्या कहते हैं। दुमका से हीरालाल शर्मा की रिपोर्ट। आगे आने वाले दिनों में ये प्रिवेंटिव का ये काम करेगा और ये हम आगे तहकीकात कर रहे हैं कि इसमें और भी व्यक्ति कोई शामिल होगा तो उसे भी जेल भेज दिया जाएगा। इस तरह का बाइक का इस्तेमाल कहाँ होता था? ये सभी बाइक जो है कि कुछ गांव वालों को भला फुसला करके दे दिया जाता था। कुछ बाइक्स हमको महेशपुर थाना अंतर्गत दुमका पाकुड़ से मिला है। पाकुड़ जिला में महेशपुर थाना है, उसी क्षेत्र में हमें कुछ बाइक्स मिले हैं जो वहाँ पर कुछ रिसीवर्स थे जो कि पब्लिक में से किसी गांव वालों को दे दिया गया था और कुछ तो इनके घर से भी बरामद हुए हैं। जो चोर जो गिरोह है वो इसको बेचने के क्रम में अपने घर में रखे हुए थे। तो ये एक खुलासा जो किया गया है, एक स्पेशल टीम बना गई थी जिसमें कि SDPO दुमका थे, थाना प्रभारी टाउन में खुददार जी थे और इसमें सभी आसपास के जिलों के पुलिस को भी इन्वॉल्व किया गया था और ये खुलासा होगा। ऐसा क्या ये बाइक के ये अभी तक तो इसका कोई पूर्ण रूप से इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है परंतु इसके भी जांच की जा रही है। सर एक रीजन क्या है, सारी चोरी जितनी भी गाड़ियां हैं सर गाड़ी कंपनी की टूटा हुआ सर। एक्चुअली सर जो गाड़ी होती है या तो जो भी पैशन प्लस है या ग्लैमर है, इस तरह की गाड़ियां हीरो ही 10 में से 7 गाड़ी जो बिकती हैं बाज़ार में वो हीरो कंपनी की होती है। तो इसीलिए लेकिन हर एक कंपनी का अलग अलग लॉक होता है, क्योंकि ये ज़्यादा गाड़ी ये हीरो कंपनी की यहाँ मार्केट में है और कहीं पर भी मिला रहेगा तो चोर जो है कि ज़्यादातर इसी को टारगेट करते हैं और इस पर ही हाथ साफ करते हैं अपना और इसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं।